लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बड़ी खबर, ट्रांस सपोर्टर्स की हड़ताल से थम गए 92 लाख ट्रक के पहिए। नई दिल्ली, देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के चलते ऑयल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट आज से अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रांस सपोर्टर्स का कहना है कि लगातार सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसका खामियाजा ट्रांस सपोर्टरों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार एक बार भी उनके रोजगार के बारे में नहीं सोच रही है, जिसके कारण उनका व्यापार करना भी मुश्किल होता जा रहा है, जिसके कारण उनके पास हड़ताल के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। माना जा रहा है कि हड़ताल के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलतारण सिंह की माने तो गुरुवार को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मांगों को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन वो भी बेअसर रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी ट्रांसपोर्ट ने बात की, इसमें एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया, जिसे मानने से ट्रांस सपोर्टर ने मना कर दिया। उनका कहना है कि कई बार कमेटियां बनी हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकाला, जिसके कारण अब ट्रांस सपोर्टर हड़ताल करेंगे। हालांकि हड़ताल का ज्यादा असर फिलहाल देखने को नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट का मानना है कि इसका असर शनिवार से नजर आएगा।